सो गाइज, हम आज बात करने वाले हैं उल्लू की बेहतरीन सी सीरीज़ पोसेसेड लव के बारे में, जो काफ़ी रोमांटिक है, भूतिया भी है और काफ़ी खास भी होने वाली है। तो चलिए फटाफट से इस सीरीज़ का रिव्यू कर लेते हैं। सो कहानी एक शादीशुदा जोड़े से शुरू होती है। हालांकि वो लगभग शादीशुदा होने वाले होते हैं लेकिन वो हुए नहीं होते। कहानी शुरू होती है अमन की बीवी, खुद अमन और उसकी एक दोस्त से, और उसका एक भाई जैसा दोस्त और उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड के ऊपर इस कहानी को लिखा गया है। अब यहाँ पर अमन की और सारिका की शादी होने वाली होती है। उसकी जो बहन, मतलब अपने सारिका की जो दोस्त होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी रोमांटिक्स होती है, और यहाँ पर वो किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानती। और उनके पास एक रिवाज है, अगर हल्दी लगने के बाद जो औरत है वो अगर घर से बाहर जाए तो उस पर एक चुड़ैल आ जाती है, मतलब उसे चुड़ैल चपेट लेती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो अमन है, उसका जो दोस्त है, उसका नाम नहीं पता मुझे, जाने दो। उसकी जो गर्लफ्रेंड है जिसका नाम होता है किम, अब वो मरी हुई है और उसका जो मरा हुआ जो साया है वही सारिका के ऊपर चढ़ जाता है। और वो सारिका के ऊपर क्यों चढ़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जो उसके अंदर जो रिवाज है, वो रिवाज का जो उसकी मैया है, वो रिवाज की जो मैया है, ये सारिका ने और उसके दोस्त ने पूरी तरीके से पोत दी है। इसलिए इस किम की जो आत्मा है वो उसके शरीर को चपेट लेती है। अब चपेटने के बाद जो उसका जो दोस्त है, जो आप पिछले को जो अमन का जो दोस्त है, वो अब उसके घर में रहता है, लगभग उसके घर में रहता है। और जो किम की जो आत्मा है, अब वो सारिका के शरीर पर आ चुकी है, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उसके शरीर में एंटर करने वाली है। इस तरीके से जो किम की जो आत्मा है वो सारिका के शरीर में घुस जाती है, और जो किम है, सारिका के जो शरीर है, वो लेकर जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास। और बॉयफ्रेंड के पास जाने के बाद जो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी बहुत ही गंदा होता है, मतलब वो अच्छा होता है लेकिन रात के नशे में और किम के जादू ने उसे पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। और बिगाड़ने के बाद वो भी अपनी भाभी के साथ रंग रेलिया सेक्स कार्यक्रम मनाता रहता है। शरीर भाभी का, आत्मा किसकी, आत्मा तो की अपनी गर्लफ्रेंड की, और शरीर भाभी का, ऐसे ही करके 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 वो सेक्स करता है। लेकिन उसके बावजूद अमन को पता चलने के बाद, जो अमन का जो दोस्त है वो डिमांड कर लेता है कि तुम प्लीज़ मेरी भाभी के शरीर को छोड़ दो, मेरे भाई के, उसके भाई जैसे दोस्त की जो लाइफ है उसमें इंटरफेयर मत करो। और जो ऐसा ही करके 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 किम की आत्मा को वो भगा देता है। ऐसा ही कुछ इस समय इस कहानी में देखने को मिला है। हालांकि अगर रेटिंग के बारे में बात की जाए तो मैं इसे 4 में 5 में से सिर्फ 3 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि कहानी का जो मुझे दी एंड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छा एंड होता तो अच्छा लग जाता। स्टोरी की भी अच्छी शुरुआत नहीं हुई लेकिन फिर भी उल्लू के बजट के तरीके से सोचे तो अच्छा ही था। आपको देखनी है तो उल्लू ऐप पर मौजूद है, हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।